अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टैली में नई कंपनी बनाना। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बताया था। आज हम आपको बताएंगे टैली में हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए नई कंपनी कैसे बनाते हैं, साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में बताया जाए ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। आइए सबसे पहले टैली ओपन कर लेते हैं। उसके लिए टैली के आइकॉन पर जाकर माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करें और यदि आइकॉन दिखाई नहीं पड़ रहा है तो स्टार्ट बटन पर जाकर क्लिक करें। सर्च बार में टाइप करें टैली। ऐसा करते ही ऊपर टैली दिखाई पड़ेगा जो कि सिलेक्टेड होगा। एंटर प्रेस करें या टैली पर पॉइंटर ले जाकर माउस से क्लिक करें। यदि आप लाइसेंस्ड टैली सॉफ्टवेयर उपयोग कर रहे हैं तो सीधे टैली सॉफ्टवेयर खुल जाएगा और यदि आप टैली का एजुकेशनल वर्जन उपयोग कर रहे हैं तो इस तरह की विंडो दिखाई पड़ेगी। यहाँ आप कीबोर्ड पर Alt और W की एक साथ प्रेस करें। देखिए टैली ओपन हो गया है। इसमें राइट साइड में आप कंपनी इन्फो मेन्यू में कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी को समझेंगे। क्रिएट कंपनी में जाने के 3 तरीके हैं। पहला, माउस से उस पर क्लिक करें। दूसरा, डाउन एरो से क्रिएट कंपनी पर जाएं और एंटर प्रेस करें। और तीसरा जो सबसे सरल है, ये देखिए क्रिएट कंपनी में सी कैपिटल है और बोल्ड भी है, यानी ये इसका शॉर्टकट है। यदि आपको शॉर्टकट कंफर्म करना हो तो एक तरीका है, आप डाउन एरो से क्रिएट कंपनी पर जाएं। देखिए अब सी लाल रंग का दिखाई पड़ रहा है, तो अब हम आगे बढ़ने के लिए सी प्रेस करेंगे। ध्यान रखें, टैली में काम करते समय किसी भी ऑप्शन पर जाने के लिए यही तरीके हैं। सी प्रेस करते ही कंपनी क्रिएशन विंडो आ गई है। यहाँ आपको अपनी कंपनी का नाम देना होगा। नाम टाइप करने के बाद आगे बढ़ने के लिए एंटर या टैब की प्रेस करें। ये देखिए प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स के अंतर्गत मेलिंग नेम में वही नाम आ रहा है जो हमने ऊपर टाइप किया था। एंटर या टैब की प्रेस करके एड्रेस में अपनी कंपनी का पूरा पता टाइप करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स में आप जो भी डिटेल्स देते हैं, टैली में कोई भी प्रिंट निकालने पर वो उस प्रिंट पर दिखाई पड़ती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखें, टैली में सभी जगह आगे बढ़ने के लिए एंटर या टैब की का उपयोग किया जाता है। और मान लीजिए आपको लगा कि पहले कोई गलती हो गई है तो पीछे जाने के लिए बैकस्पेस की का उपयोग किया जाता है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। कंट्री के आगे बाय डिफॉल्ट इंडिया सिलेक्टेड रहता है। यदि आप और किसी कंट्री में हैं तो उसे सिलेक्ट करने के लिए राइट साइड में लिस्ट ऑफ कंट्रीज आ रही है। आप अपने देश के नाम का पहला अक्षर टाइप करें। जैसे हमने टाइप किया एस, तो देखिए उस अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी देशों के नाम यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। आप अप या डाउन एरो से उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। हम इंडिया ही सिलेक्ट कर रहे हैं। अब स्टेट में अभी बताए गए तरीके से स्टेट का नाम सिलेक्ट करें। पिन कोड में अपने शहर का पिन डालें। अब यहाँ अपना फोन नंबर डालें।
अगर आपके पास फोन नंबर नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ने यानी स्किप करने के लिए एंटर प्रेस करें। इसी तरह मांगी गई डिटेल्स भरते हुए आगे बढ़ते जाएं। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम के सामने अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, टैली खुद ही उसके आरंभ होने की तारीख यहाँ पर दे देगा। यदि आप किसी और फाइनेंशियल ईयर में काम करना चाहते हैं तो उसके आरंभ होने की तारीख आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर दे सकते हैं। भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है और हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का हिसाब किताब इस कंपनी में रखना चाहते हैं, तो यहाँ हमें तारीख 1 अप्रैल 2020 ही चाहिए जो कि दिखाई पड़ रही है। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसमें वही तारीख आ रही है जो हमने ऊपर डाली थी। आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। आइए पहले उसका कारण समझ लेते हैं। हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कंपनी बना रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर का आरंभ हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से, तो ये तो सही है, पर हमारी जो कंपनी है वो शुरू हो रही है 1 जुलाई 2020 से, यानी हम जो कंपनी बना रहे हैं उसमें हिसाब किताब 1 जुलाई 2020 से रखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम यही तारीख डालेंगे। इससे ये होगा कि यदि हम इस कंपनी में अनजाने में भी इससे पहले के पीरियड में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। हम यहाँ तारीख 1 जुलाई 2020 डाल रहे हैं। यहाँ पर हम सिक्योरिटी कंट्रोल के ऑप्शंस को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में भी कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि ये हमारी जरूरत के हिसाब से ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो ऑप्शंस अभी यहाँ पर जरूरी नहीं है वो हमने छोड़ दिए हैं, जैसे कि टैली, वॉल्ट, पासवर्ड, सिक्योरिटी कंट्रोल, इन्हें हम बाद में समझाएंगे। इसके अलावा डायरेक्टरी, मेलिंग नेम, बेस करेंसी इंफॉर्मेशन आदि की डिटेल्स भी हम बाद में आपको बताएंगे। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। देखिए यहाँ एक्सेप्ट वाली छोटी विंडो आ रही है। आपने जो डिटेल्स दी हैं वे फिर से चेक कर लें। यदि ठीक हैं तो एंटर प्रेस करके या यस के लिए वाई प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लें। और यदि आपने जो डिटेल्स भरी हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो नो के लिए एन प्रेस करें या फिर एस्केप की प्रेस करें। ऐसा करते ही आप प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अब यदि आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर लें, फिर आगे बढ़ें। एक बात ध्यान रखें, यदि आप कोई भी विंडो छोड़ना चाहते हैं तो एस्केप की का उपयोग करें। इसी तरह आप किसी भी विंडो को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल और ए की, इन्हें एक साथ प्रेस करें। हम कंट्रोल और ए की को प्रेस कर रहे हैं। कंपनी बनते ही कुछ इस तरह की विंडो दिखाई पड़ेगी। एक बार एस्केप की प्रेस करें। देखिए हम गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। पहले यहाँ कंपनी इन्फो मेन्यू था, पर इस बार विंडो दूसरे टाइप की दिखाई पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने जो कंपनी बनाई है वो खुली हुई है। देखिए यहाँ बोल्ड अक्षरों में उसका नाम दिखाई पड़ रहा है और ऊपर की ओर करंट पीरियड में जिस पीरियड में यह कंपनी खुली है वो दिखाई पड़ रहा है। करंट डेट में आप 1 जुलाई 2020 देख रहे हैं। ये वही तारीख है जो हमने कंपनी बनाते समय बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में ली थी। डेट ऑफ लास्ट एंट्री के नीचे कोई तारीख नहीं आ रही है, उसके स्थान पर नो वाउचर्स एंटर्ड लिखा है क्योंकि अभी हमने इस कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है। जब हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देंगे तो आखिरी ट्रांजेक्शन की जो डेट होगी वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। हम एक कंपनी और बनाना चाहते हैं, पर उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ राइट पेन में डेट के आगे F2 लिखा है। इसका मतलब है यदि आप करंट डेट बदलना चाहते हैं तो फंक्शन की F2 प्रेस करें। इसी तरह जब भी किसी फंक्शन की के नीचे एक अंडरलाइन हो तो इसका मतलब है कि ऑल्टर के साथ उस फंक्शन की को प्रेस करें, और जहां फंक्शन की के नीचे दो अंडरलाइंस हो उसका मतलब है कि कंट्रोल के साथ उस फंक्शन की को प्रेस करें। चलिए अब एक और नई कंपनी बना लेते हैं। देखिए राइट पैन में कंपनी इन्फो लिखा है और उसके आगे F3 और अंडरलाइन है, तो जैसा अभी हमने आपको बताया था कंपनी इन्फो में जाने के लिए ऑल्टर और F3 कीज को एक साथ प्रेस करना होगा।
हमने ऑल्टर और F3 प्रेस किया तो देखिए ये विंडो आ रही है। यहाँ हमने क्रिएट कंपनी के लिए C प्रेस किया। यहाँ पर कंपनी का नाम और डिटेल्स डाल देते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम में हमने 1 अप्रैल 2020 टाइप किया है। देखिए बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में भी यही तारीख आ गई है, हम इसे ही रहने देते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमने जो नई कंपनी बनाई उसका नाम बोल्ड अक्षरों में दिखाई पड़ रहा है और ऊपर के और करंट पीरियड में जिस पीरियड में ये कंपनी खुली है वो दिखाई पड़ रहा है। करंट डेट में आप 1 अप्रैल 2020 देख रहे हैं, ये वही तारीख है जो हमने कंपनी बनाते समय बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में ली थी। अब हम एक एक करके दोनों कंपनीज को बंद कर देते हैं। उसके लिए ऑल्टर और F1 एक साथ प्रेस करें। ये देखिए क्लोज कंपनी की विंडो आ गई है और अभी टैली में जितनी भी कंपनियां खुली हैं उनके नाम दिखाई पड़ रहे हैं। आप जिस कंपनी को बंद करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। देखिए लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में से वो कंपनी चली गई है। इसी तरह हम ऑल्टर और F1 प्रेस करके ये कंपनी भी बंद कर देते हैं। इस विंडो को छोड़ने के लिए क्विट ऑप्शन है और यहाँ इसके शॉर्टकट की है क्यू। कीबोर्ड पर क्यू प्रेस करें। अब हम टैली बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल और क्यू एक साथ प्रेस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपने नई कंपनी बनाना और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना। अगले वीडियो में आप जानेंगे कंपनी को सिलेक्ट करने, बंद करने, ऑल्टर करने और डिलीट करने के बारे में।